और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और वैभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की दिल्ली के सीएम हाउस में हुई कथित पिटाई ने सियासत में उबाल ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर FIR दर्ज कर अरविंद केजरीवाल के करीबी वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने आज आप नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और माहौल को और ज़्यादा गर्म कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेताओं को बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने से रोका, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस बैरिकेड के पास आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठ गए। हालांकि बाद में वह आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की तरफ वापस आ गए। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि हम 30 मिनट तक बैठेंगे, अगर बीजेपी ने हमें गिरफ्तार नहीं कराया तो यह उनकी हार होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली के पार्टी कार्यालय से रवाना हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन। तो आज अरविंद केजरीवाल ने वैभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ अपने नेताओं के साथ रवाना भी हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वापस पार्टी दफ्तर आ गए। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के आलोक जी, ये जो आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन किया और स्वाति मालीवाल के केस को लेकर अब जो सियासत गर्म हो चुकी है, इसको लेकर बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टंट हैं, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आपने मेरे से प्रश्न किया जी आलोक जी, देखिए उल्टा चोर कोतवाल को ढांके जी। वारदात केजरीवाल जी के घर पे हुई जी, वारदात केजरीवाल के पीए ने किया, वारदात केजरीवाल के एक सीनियर कलीग के साथ हुई जी। दोषारोपण ये बीजेपी पे कर रहे हैं जी, तो ये तो वही कहावत चरितार्थ हो रहा है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जी। ये सारा कांड आपके होगा, आपके लोगों के द्वारा हो, और आप बीजेपी पर जाके यहाँ के मुख्यालय पर हमला बोल रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जी। बीजेपी का इसमें क्या रोल है जी? बीजेपी का तो सिर्फ इतना ही रोल है उसमें जी, कि एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ और एक भाई के तौर पर हम उसके साथ खड़े हैं जी। ये तो मानवता के आधार पर खड़े हैं, बिल्कुल कोई भी खड़ा हो सकता है। किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो और कोई पुरुष अगर उसको शक्ति प्रदान करने करे जी, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल यही तो सीख है, आचरण है जो एक मनुष्य में होना चाहिए जी। मेरे समझ से ये बिल्कुल मेरे समझ से परे है कि ये इसलिए बीजेपी के मुख्यालय पर जाके ये हमला बोल रहे हैं जी। और यहाँ पर एक बात और समझ में नहीं आती है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को लेकर कुछ नहीं बोला, हालांकि उनको अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए थी कि अभी तक उस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जी, जबकि उनको इस मामले को लेकर सबसे आगे आना चाहिए था। उनके पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फिर भी प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनमें पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से शांत रहे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजीव त्यागी भी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, ये पूरा माजरा जो आज दिल्ली में देखने को मिला है और सियासत इससे और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल को लेकर कुछ खुलकर नहीं बोला और बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए और पहुंच गए जी। जी जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी वाले जितना अपने आप को शरीफ दिखाते हैं उतने है नहीं है जी। और जो भी ये लोग आम आदमी पार्टी को अनस्टेबल करने के लिए, पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। इन्होंने हमारे पांच पांच नेता जेल में डाल दिए, जो मनीष सिसोदिया जी जिनका इतना नाम था देश विदेश में भी, उनको भी जेल में डाल दिया।
झूठे सच्चे इल्जाम लगा के, अरविंद जी को भी झूठे सच्चे इल्जाम लगा के इन्होंने जेल में डाल दिया। नहीं त्यागी जी, यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती है कि स्वाति मालीवाल के केस में बीजेपी का क्या रोल है। अब इनको जब लगा इनको के तो अरविंद जी वापस आ गए, तो इन्होंने सोचा कि किस तरीके से परेशान किया जाए, तो ये स्वाति मालीवाल जी को इन्होंने मोहरा बना के और आगे आगे ये बढ़ाया और खुद पीछे हो गए। ठीक है, जबकि जो ये एक जांच का विषय है, इस पे जो है हमारी पार्टी का बड़ा सिंपल है, हम लोग कोई भी एकदम से कोई चीजें नहीं करते। हमारा बड़ा ही सिंपल इसमें वो है कि हम लोग पहले देखते हैं चीजों को कि जो है असेस करते हैं क्या मैटर है, क्या है, क्या दिक्कतें हैं, कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बाद हम लोग इस पे प्रॉपर एक्शन लेते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अगर इनको इंटरेस्ट लेना तो हाथरस वाले मामले में ले, उसमें क्यों नहीं लिया था इन्होंने इंटरेस्ट। नहीं त्यागी जी, अभी आपने कहा तो कि पूरी जांच के बाद आम आदमी पार्टी वाले मामले में इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, किसानों वाले मामले में इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अब जो जब जो है कोई भी इनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा बनाना होता है, इसको ये खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही। नहीं ठीक है त्यागी जी, यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी बिना जांच के किसी पर एक्शन नहीं लेती, तो आपने बिना जांच के ये कैसे पता लगा लिया कि इसमें बीजेपी का ही रोल है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एमसीडी में जो है किस तरीके से इलेक्शन नहीं होने दे रही है ये, और हमें हमेशा काम करने से रोका जाता है दिल्ली में, एलजी किस तरीके से काम करने से रोकते हैं, तो ये तो जग जाहिर है, जनता को भी पता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना काम करने की जगह पर भारतीय ये आम आदमी पार्टी को रोकने की राजनीति करती है, जो कि एक अच्छी राजनीति नहीं है। ठीक है आलोक जी, अब त्यागी जी बोल रहे हैं तो बिना किसी वजह के परेशान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, उनके कामों को रोकने का काम किया जाता है। चलिए इनकी बात को मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अभी तो डिस्कशन वाली स्वाति मालीवाल जी पे है, उस पर इनके चीफ मिनिस्टर की चुप्पी क्यों है, इसका कोई जवाब दे सकते हैं? क्यों चीफ मिनिस्टर चुप है? देखिए जो बड़ी अच्छी बात कही मेरे बड़े भाई ने, सबसे बड़ी बात ये होती है, ये एक मैच्योरिटी वाला डिसीजन है कि जब तक चीजें जो है अगर वो पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, जब तक चीजें पूरी तरीके से जांच के दायरे से कंप्लीट ना है, जब तक उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं रहता जी। तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शुरू से जो है वो कानून को और संविधान को फॉलो करते हुए आए हैं, और अभी भी जो कानून और संविधान जो कहेगा उसको हम लोग करेंगे। नहीं बिल्कुल त्यागी जी, देखो पहली बात तो ये कि दिल्ली पुलिस ने जो आपके आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी के पीए हैं उनको जो गिरफ्तार किया है वो स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद किया है। ठीक, अब दूसरी बात, इसमें जांच होगी वो उस आधार पर काम किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने बोला कि इसमें बीजेपी का ही रोल है, स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाया गया है, तो ये भी तो जांच का विषय है। अच्छा आप एक बात देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि इसमें बीजेपी वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। भाई हमारी वो हमारी सीनियर लीडर हैं, हमारी जो उसमें डीसीडब्ल्यू की वो रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं वो 10 साल, अभी हमारी राज्यसभा सांसद हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों इतना उस पर कंसर्न या फोकस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ साफ है कि जो है इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि कोई भी छोटा सा मुद्दा ढूंढो, उसमें जो है जितना हो सकता है लोगों को जेल में डालो, आम आदमी पार्टी के उनको परेशान करो, यही हमेशा मुद्दा रहा है इनका और यही अभी भी मुद्दा है। तो ये सब जो है वो जनता देख रही है, चलिए ठीक है, चुनाव चल रहे हैं। ठीक है ठीक है त्यागी जी, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों इंटरेस्ट ले रही है। अब इंटरेस्ट लेने वाली बात तो यह है कि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा है नहीं, मारपीट का आरोप लगा है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी ना सही दिल्ली की जो जनता है वो भी इंटरेस्ट लेगी। खैर हम आलोक जी के पास चलते हैं, सर बोलिए अपनी बात। अगर 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 इंटरेस्ट ले तो फिर हाथरस वाले मामले में क्यों नहीं कुछ बोलते ये लोग, मणिपुर वाले मामले में क्यों नहीं बोलते ये लोग? चलिए आलोक जी जवाब देंगे। महिला पहलवानों की बात आती है तो क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, किसानों की बात आती है तो क्यों नहीं बोलते? ठीक है आगे जी आऊंगा, वापस आऊंगा। ठीक है आलोक जी।
इस पर्टिकुलर एपिसोड को किसानों से जोड़ना या महिला पहलवानों से जोड़ना कहां तक सार्थक है? केजरीवाल जी नहीं गए, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जी। माली स्वाति मालीवाल जी के घर जाके उनसे पूछने में भी कोई गुरेज था कि आपके साथ हुआ क्या है? बिल्कुल। झांझट बनाने के लिए भी क्या कोई कानूनी बाध्यता थी? इसलिए गोलमोल बातों करके अन्य बातें जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है उसका समावेश करके आप छिपने की कोशिश मत कीजिए। आपके सीनियर लीडर के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उनसे जाके मिलिए, उनको सांत्वना दीजिए, और अगर वो आहत हुई है तो उनके आहत पर मरहम लगाइए। जी। हम तो सरकार बनाने की कवायद में जी। हम तो 4 जून को सरकार हमारी शपथ ले ले जी। हम फिर देश को 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर आगे बढ़ाने का काम जो संकल्प लिया है वो करते रहे जी। इसलिए ये आपकी सबसे सीनियर लीडर संस्थापक सदस्यों में से एक थी, उनके साथ अभद्रता की गई, उस मामले पर उनको ढांढस बंधाइए, सांत्वना दीजिए, विश्वास जताइए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, जिसी आपने ने भी ये गलती की है उसको सजा दी। चलिए ठीक है त्यागी जी, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो यह है कि अगर पार्टी के अंदर इस तरह का मामला हुआ है तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को खुद इस पर बातचीत करनी चाहिए थी और जांच करनी चाहिए थी कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर भी गए तो बाहर भी मीडिया ने केजरीवाल से यही सवाल पूछा कि स्वाति मालीवाल वाले मैटर में आपने क्या एक्शन लिया है, लेकिन उन्होंने साफ बोलने से मना कर दिया जबकि उनको बोलना था और इस मामले को खुद ही सॉर्ट आउट करते तो आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद इसको बीजेपी पर थोप कर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले, संविधान को नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं तो धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्यों पहुंचे आप लोग? ये इसके लिए भाजपा पार्टी ही मजबूर कर रही है हमें जी। इन्होंने इस संविधान को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, इस तरीके से समस्याओं को और जो एजेंसीज को यूज कर रहे हैं कि हमें सड़क पे आना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग कहाँ सड़क पे आना चाहते हैं, हम तो जनता के काम करना चाहते हैं। आप ये देखिए हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ये जो जेल में डाल देते हैं, हमारे चुने हुए उप मुख्यमंत्री को ये जेल में डाल देते हैं, संजय सिंह जो जनता की आवाज उठाने वाले से सड़क से लेकर संसद तक काम करने वाले जनता की आवाज को उठाने वाले उनको ही जेल में डाल देते हैं। आप मुझे बताइए कि जो है हम लोग करें तो करें क्या? ठीक है त्यागी जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए आप, अरविंद केजरीवाल जी को स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसका ज्यादा दुख है या उनके पीए को जेल भेज दिया इसका ज्यादा दुख है? देखिए अरविंद जी सत्य के साथ हैं, जो सत्य है जो सही है उसको वो पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह समर्थन करते हैं, तो इसमें हम लोग हमेशा सत्य के साथ हैं, चाहे वो उसमें जो है वो हमारे पीए हो अरविंद केजरीवाल जी के, चाहे स्वाति मालीवाल जी हो, गलती किसी की भी हो, दोषी कोई भी हो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो सत्य तो अरविंद केजरीवाल जी की नजर में यही हुआ ना, अपने पीए की गिरफ्तारी को लेकर वो आहत हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नहीं हम ये विरोध प्रदर्शन आज का नहीं है। हाँ। ये विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि मनीष सिसोदिया जी जो पूरे जो है देश विदेश में मशहूर हैं कि जो है वो उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है, उनको जेल में डाला जा रहा है। संजय सिंह जी जो जो है राज्यसभा में हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दबे हुए लोगों की आवाज उठाते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। जो सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने एक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा मॉडल दिया उसमें दिल्ली में,
मोहल्ला क्लिनिक दिए और इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब तो जो पीए हैं वैभव कुमार, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए हम लोग ये नहीं कह रहे अभी, हम लोग हम लोगों का बड़ा सिंपल कहना है कि जो भी दोषी है, चाहे वो वैभव जी दोषी हो, चाहे वो स्वाति मालवीय जी दोषी हो, चीजें सत्य सामने आना चाहिए और उसके बाद चीजों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है आलोक जी, हम लोग साथ। आलोक जी, आज वैसे दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के घर से कैमरे और डीवीआर वगैरह लेकर गई है छानबीन करने के लिए। अब इस मामले में क्या गंभीरता से काम किया जाएगा वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन जो मुद्दा सामने निकल कर आया है, एक तो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, उन्होंने एफआईआर की, दिल्ली पुलिस ने तब जाकर एक्शन लिया और उनके पीए को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने भी 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। अब केजरीवाल जी को उस चीज से तकलीफ है या वो स्वाति मालीवाल जी से जो के साथ जो हुआ उससे ज्यादा दुख है उनको? देखिए ये बात तो केजरीवाल जी ही बता सकते हैं, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन इटसेल्फ। उनका अभी तक स्वाति मालीवाल जी से नहीं मिलना इस बात का द्योतक है कि वो इस मामले में गंभीर नहीं। बिल्कुल, अगर गंभीर होते सारी सवायद एक तरफ रख दीजिए, सिर्फ उनसे जाके मिलते कि आप मेरे घर पर आपके साथ क्या हुआ बताइए, अगर कोई गलत हुआ है तो मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, तो ये दर्शाता कि ये मुख्यमंत्री संवेदनशील है, महिलाओं का आदर करने वाला है और देश को एक अच्छा मैसेज जाता, समाज को एक अच्छा मैसेज जाता। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करके इन्होंने देश और समाज में महिला विरोधी होने का एक मैसेज दिया। बिल्कुल, और त्यागी जी अगर ये पूरा मामला सीएम हाउस से बाहर का होता तो उसमें 1% माना जाता कि बाहर कुछ दोनों के बीच में कहा सुनी हुई होगी तो मामला ये तूल पकड़ गया, लेकिन खुद सीएम हाउस में ये मामला होता है उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल इसमें एक्शन नहीं ले पाते हैं। त्यागी जी ऐसा नहीं है कि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी एक्शन नहीं लेना चाहते या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा इस बात के लिए कि जो जांच के दायरे में चीजों को लेके और उसके बाद जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और वो मिलेगी उसको तो, लेकिन बिना कुछ ठीक से पूरी बातों को जाने कोई भी एक्शन लेना या कोई भी कमेंट करना वो अच्छी बात नहीं होती है। और अरविंद जी एक पुराने मंझे हुए नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, का एक IRS है, वो बहुत सोच समझ के ही एक्शन लेते हैं जो भी लेते हैं, तो डेफिनेटली इस पे जांच होगी और जांच होकर जो भी इसमें कार्रवाई उचित होगी वो होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो उसके लिए जरूर। ये बात नहीं है कि जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के पीए हैं या कोई भी है, XYZ कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर गलत नहीं है तो जो है उनको छोड़ा जाना चाहिए। चलिए ठीक है। त्यागी जी, यहाँ पर जो कार्रवाई करने वाली बात आपने कही, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही उठता है कि अगर कार्रवाई करनी होती तो उनके पहले ये मामला काफी दिन पहले आ चुका था, अब तब वो उसमें अगर अपने पीए के खिलाफ कोई एक्शन लेते तो एक अच्छा मैसेज जाता, ये बात अभी आलोक जी ने भी कही, लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये एक गलत मैसेज गया है। और आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है, विरोध किया है, बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच गए, इससे और एक अलग मैसेज आता है कि उनको स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उससे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया इस बात से ज़्यादा तकलीफ हुई, जबकि स्वाति मालीवाल पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं महिला आयोग की उसके बाद भी। खैर मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी आप लोगों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आज अरविंद केजरीवाल ने अपने शीर्ष नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और उसमें राघव चड्ढा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की